डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा होगा कि ये प्राइवेट जो नर्सिंग होम होते हैं उनमें मरीज का इलाज तो बाद में होता है, उस सबसे पहले तो उनके विभाग का होता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा पैसे लेकर के उन्हें हर तरह से परेशान किया जाता है। तो सरकारी अस्पताल में यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं जो लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे? हमारा ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय है, तो हमारे अलीगढ़ में स्थापित है। वैसे तो यहाँ पर मल्खान सिंह जिला चिकित्सालय भी है, मोहनलाल गौतम भी है और हमारा मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन फिर भी जो हमारा इधर का गांव का मरीज है वो हमारे यहीं पर अक्सर आ रहा है और पहले से मरीज की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर हम जो भी हमारी चिकित्सा सुविधाएं हैं वो हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे कि किसी भी आंखों के ऑपरेशन वगैरह भी यहाँ से संपादित किए जाते हैं। हमारे यहाँ आईसीयू है जिसमें गंभीर रोग की मरीज जो है वो भी यहाँ पर हम जो उनको भर्ती कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये अस्पताल हमारा कोविड के टाइम पे पूरी तरह से कोविड मरीजों को भर्ती के लिए रखा गया था, इस बार भी जो है कोविड के लिए रखा गया है। अब कोविड के मरीजों की संख्या कम हो गई है, तो इसलिए जो हम सामान्य मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं और कोविड के मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। ये सारी चिकित्सा सुविधाएं हम निःशुल्क जो है मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी हम परेशानी को नहीं होने दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, और हम ये जानना चाहेंगे कि जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे कि वो प्राइवेट वहाँ संस्थानों में न जा करके यहाँ सरकारी में आए, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध हैं? यहाँ पर सभी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, गायनी से लेकर के आपका ऑपरेशन से लेकर के जो भी जितने भी हैं बेसिक सुविधाएं जो कि अमूमन लोग जो हैं भटकते हैं, तो यहाँ अलीगढ़ में यहाँ पर उनका उपचार होगा। अगर विशेष परिस्थिति पड़ती है, ज्यादा गंभीरता होती है, तभी हम यहाँ से जो है अलीगढ़ से बाहर के लिए रेफर करना पड़ता है, वरना हम सारी पेशों सुविधाएं यहीं पर प्रोवाइड करा रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब, कभी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने ऐसा किया है कि जो जन जागरूक अभियान चलाया हो लोगों को, वो यहाँ सरकारी अस्पताल में ही आए, प्राइवेट अस्पतालों में न जाए? इसके लिए हम समय समय पर जब भी मीडिया कर्मी आते हैं तो उनसे हम बताते हैं कि हमारी ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, कृपया करके जो है अपने मीडिया के माध्यम से जो है जन जागरण को अवगत करा दें, जिससे कि वो अपने यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। ये महिलाओं को प्रसव होने की डॉक्टर साहब क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ पर? महिलाओं को प्रसव होने के लिए पूरी सुविधाएं हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है, अगर आस्था होती है तो उनके जो ऑपरेशन से भी बच्चे पैदा यहाँ पे किए जाते हैं, जैसी पूरी सुविधाएं हैं यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास टीम होती है जिसमें से किसी प्रकार की महिला हो, अगर इस समय देख रहे हैं कुछ पेशेंट कोविड पॉजिटिव महिलाएं भी आकर के हम यहाँ पर उनको भी हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, और जो कोविड पॉजिटिव नहीं उनको भी करा रहे हैं, सभी तरह महिलाओं का हम जो प्रसव यहाँ पर हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, अभी यहाँ ऑक्सीजन का भी कोई प्लांट वगैरह लगाए? यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास जो है चार प्लांट लगे हुए हैं। दूसरी लहर में जहाँ पर ऑक्सीजन कमी हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर चार प्लांट लगा दिए गए हैं, जिससे जो है हमारे हॉस्पिटल में 300 बेड हैं, 300 बेड के सापेक्ष में सभी पर हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट उपलब्ध हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, हमें बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पर ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। और यहीं पर हम शहर में जहाँ पर ऑक्सीजन कमी हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर चार प्लांट लगा दिए गए हैं, जिससे जो है हमारे हॉस्पिटल में 300 बेड हैं, 300 बेड के सापेक्ष में सभी पर हमारे पास ऑक्सीजन के प्वाइंट उपलब्ध हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, हमें बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पर ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं और यहीं पर हम जी। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका।